आज का ये वीडियो आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ में टेक कटिंग चैनल की जर्नी को शुरू करूंगा, वो भी स्टार्टिंग टू मोनेटाइजेशन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुलरहमान जी और आपका वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल टेक कटिंग पे। तो टेक कटिंग का जर्नी स्टार्ट हुआ 29 जुलाई 2021 को, जिस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं अब से कंटिन्यूसली इस चैनल पे वीडियोस अपलोड करना शुरू करूंगा और वो भी सर्चेबल टॉपिक पे। और उस दिन से मैंने वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते 11 अप्रैल 2022 को मेरे पास में एक मेल आया कि टेक कटिंग चैनल जो है मोनेटाइजेशन के लायक हो चुका है, क्योंकि इसके ऊपर में 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका है। तो अब ये चैनल जो है वो एलिजिबल है किस चीज़ के लिए, चैनल को मोनेटाइज करने के लिए। तो आप चाहे तो मोनेटाइजेशन के लिए भेज सकते हैं। तो देखते ही देखते मैंने 22 जून 2022 को मैंने अप्लाई किया अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए, ताकि जो है अप्रूव होकर के आ जाए। तो उसके अगले दिन ही, बहुत ही खुशी की बात है कि उसके अगले दिन ही जो है ये चैनल मोनेटाइज हो गया, यानी इस चैनल को जो है अप्रूव कर दिया गया YPP के लिए, YouTube पार्टनर प्रोग्राम के लिए। तो जैसे ही 23 जून 2022 को अप्रूव हुआ, तो उसके अगले दिन यानी 24 जून 2022 को मैंने सारे वीडियोज़ के मोनेटाइजेशन को ऑन कर दिया। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर कौन सा स्टेप्स मैंने फॉलो किया, किस तरीके से मैंने टॉपिक फाइंड किया और किस तरीके से जो है मैंने टाइटल का, डिस्क्रिप्शन का और टेक्स्ट का सही इस्तेमाल किया, कि जिसके ज़रिए मुझे सिर्फ सर्च बेस पे, यानी मुझे ज़्यादा उसको जो है फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अपने से जो है व्यूवर्स आने लगे और अपने से जो है सब्सक्राइबर्स आने लगे। तो वो मैंने कैसे किया उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। तो ये जो काम जो है वो उसी दिन से शुरू हो जाता है, 29 जुलाई 2021 से। जी हाँ, जिस दिन मैंने क्या किया था, जिस दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे कंटिन्यूसली वीडियोस अपलोड करने हैं अपने चैनल पे, चाहे कुछ भी हो जाए, और मैंने ये शुरू भी कर दिया था। मैंने क्या किया कि मैं टॉपिक्स जो है फाइंड करता था टेक्नोलॉजी में या फिर एंड्रॉयड में, कि कौन सा टॉपिक है या फिर कौन सा वीडियो जो ज़्यादा वायरल चल रहा है, यानी जिसके ऊपर मैं ज़्यादा व्यूज़ है। तो मोस्ट व्यूज़ जो वीडियोज़ होते थे, मैंने जो है उस टॉपिक पर वीडियोज़ बनाना शुरू किया। कुछ दिन मैंने बनाया, थोड़े बहुत व्यूज़ आए, 2, 4, 10, 15 इस तरीके से व्यूज़ आते रहे। और शुरुआत में जाहिर सी बात है, जो भी व्यूज़ आते हैं ना, वो व्यूज़ अपने दोस्त के होते हैं, अपने फ्रेंड्स के होते हैं या फिर खुद के व्यूज़ होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है सब्सक्राइबर्स तो होते नहीं है। इस तरीके से मैंने शुरू किया और काम करना शुरू कर दिया। फिर कुछ दिन के बाद में मेरे पास में एक आइडिया आया कि लोग जो है ईमेल आईडी बनाते हैं और उसका क्या हकीकत, उसके बारे में मैं थोड़ा सा जान लेता हूँ। तो मैंने उसके बारे में थोड़ा सा सर्च करना शुरू किया और वो एक सर्चेबल कंटेंट था, जाहिर सी बात है सर्चेबल टॉपिक था मेरे लिए। तो कैसे अनलिमिटेड जीमेल बनाया, जीमेल यानी जीमेल की जो आईडी, वो कैसे अनलिमिटेड बनाया जा सके, उसके बारे में मैंने सर्च करना शुरू किया। और मैंने देखा कि लोग क्या क्या तरीका अपना रहा है इस तरीके के वीडियोज़ बनाने के लिए, और उसके ऊपर मैं जो है मैंने 2 से 3 वीडियोज़ भी बनाए कि किस तरीके से जो है अनलिमिटेड ईमेल आईडी बना सकते हैं। बस जाहिर सी बात है अनलिमिटेड ईमेल आईडी बनने का वो तरीका सही नहीं था, बट एटलीस्ट ये था कि जो नहीं बना पा रहा उसके लिए 4 से 5 ईमेल आईडी जरूर बन जाएगा उस तरीके से। और मैंने वही किया कि उस तरीके को अपना करके मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, और वो जो वीडियो है वही वीडियो वायरल हुआ इस चैनल का, और उसके जरिए जो है उसी वीडियो से मुझे 1000+ सब्सक्राइबर्स गेन हुए और 4000 घंटे का वॉच टाइम भी कंप्लीट हुआ उसी एक वीडियो के जरिए। जी हाँ, आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन बात यही है कि वही एक वीडियो जो टॉप पे है इस चैनल पे, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। हालांकि उस वीडियो के जरिए आप अनलिमिटेड ईमेल आईडी नहीं बना सकते हैं, मैंने उस वीडियो में वजाहत कर दिया है कि हाँ, जाहिर सी बात है कि आपके मोबाइल में काम करेगा भी, नहीं भी काम कर सकता है, बट हाँ एटलीस्ट 4 से 5 ईमेल आईडी बिना मोबाइल नंबर का ज़रूर आप बना सकते हैं, और वो मैंने उस वीडियो में बता रखा था। तो इस तरीके से जो है वो वीडियो वायरल हुआ, उस तरीके से उसी के बेस पे कुछ और भी वीडियोज़ थे जो सर्चेबल कंटेंट थे, वो भी वीडियो वायरल हुआ और इस तरीके से जो है इस चैनल पे सब्सक्राइबर्स गेन हुए और ये चैनल मोनेटाइज हुआ। अब बात आती है टाइटल की, कि टाइटल मैं कैसे डालता था। टाइटल जो है मैं हमेशा कोशिश करता था कि जितने भी कीवर्ड रिसर्च टूल्स हैं या फिर जो भी यूट्यूब पे जो कीवर्ड्स डालते हैं, जो टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टॉपिक को मैं यूट्यूब पे जो है सर्च कर लेता था, और उससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स आते थे मैं उसको स्क्रैप कर लेता था। जी हाँ, मैं शुरुआती दौर में कुछ टूल का भी मैंने इस्तेमाल किया जिसके ज़रिए जो है सारे के सारे कीवर्ड जो है वो स्क्रैप हो जाए। स्क्रैप होने के बाद में जो है मैं क्या करूँ, उसको आसान तरीके से मैं अपने वीडियो को जो है डिस्क्रिप्शन में डाल सकूँ, और वो मैंने किया। अगर आपको ये जानना है कि वो कौन सा टूल था जिसका मैंने इस्तेमाल किया जो कीवर्ड से उसको स्क्रैप करने के लिए, तो वो मैं इस्तेमाल करता था UiPath का, जो कि सिर्फ सिस्टम में जो है मैंने इस्तेमाल किया था, यानी मेरे पास में एक लैपटॉप है जिसका मैंने इस्तेमाल किया था उस डेटा को स्क्रैप करने के लिए, और उसके जरिए जो है मैंने वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जो कीवर्ड डालना शुरू किया स्क्रैप कर करके, और इस तरीके से जो है मैंने वीडियोस को थोड़ा सा वायरल किया, यानी उस चीज़ से, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स थे मैं डालता गया, यानी वीडियोज़ में मैं भर देता था, वीडियोज़ के जो डिस्क्रिप्शन उसमें मैं भर देता था पूरा एकदम उसी चीज़ से, यानी लगभग
20-25 कीवर्ड्स तो मिल ही जाएंगे आपको एक जीमेल से रिलेटेड ही। बस जीमेल को किस तरीके से करना, जीमेल ईमेल यानी जो भी कीवर्ड्स बन सकता था वो मैंने बना करके या फिर वो मैंने स्क्रैप करके मैंने डाला ताकि जो टॉप कीवर्ड्स है उसके बेस पे वीडियोस वायरल हो। तो इस तरीके से जो है मैंने वीडियो का एसईओ किया जिसकी वजह से जो है वीडियोस वायरल गए और चैनल पे सब्सक्राइबर्स भी आए। और हाँ, अब जो है आपको इस चैनल पे 2 दिन, 1 दिन या फिर 3 दिन बीच कर करके जो है आपको एक वीडियो जरूर इस चैनल पे नजर आएगा जिसके जरिए जो है आपकी कुछ हेल्प होगी और आप अपने टेक लाइफ को इजी बना पाएंगे। जी हाँ, तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कंटिन्यूसली कंटेंट डालना जरूरी होता है अपने चैनल पे और साथ में जो है शुरुआती दौर में सर्चेबल कंटेंट पे वीडियो बनाना ज़्यादा जरूरी होता है अकॉर्डिंग टू मी, एज़ पर माई चैनल या फिर एज़ पर माई जो व्यूज़ है, जो जितने भी चैनल पे व्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो बात यही रह गई कि इस तरीके से जो है मैंने इस चैनल को शुरू किया था और यहाँ तक मोनेटाइजेशन तक पहुँचा है। अब उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है यूट्यूब से जो है पिन आ जाए और पिन वेरीफिकेशन कर लूँ, फिर उसके बाद में बहुत जल्द जो है पहला पेमेंट भी आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है फुल सपोर्ट करेंगे और साथ में क्या करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अगर आप थोड़ी सी भी मोटिवेट हुए हैं तो। मिलते हैं इस तरीके के इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, आप अपने फैमिली का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम एंड अल्लाह हाफिज़।